किसान यूनियन बाबा टिकेत जय जवान जो न माने झंडे से वो मानेगा डंडे से। जब किसान एकता करता है से नहीं डरता है। जय जवान जय किसान। लोकतंत्र में अपनी बात कहने पे भी बैन है क्या? लोकतंत्र में अपनी बात कहने का सभी ने अधिकार है। बात अपनी कह सके शांति प्रिय बैठे थे किसान, क्यों करवा दिया भाई लाठीचार्ज उन पे? किस कोई यहाँ अंग्रेजों का शासन चल रहा? यो किसानों का देश है, किसान ही इसके मालिक हैं। इसका कोई मालिक बनने की कोशिश ना करे, किसानों की बात मानने। संविधान में कहाँ लिखा भाई किसानों पर नहीं आते? किसानों पर लट बजेगा, उन पर आंसू गोड़े गिरे जाएंगे, उन पर पानी मारे जाएगा। आपने देखा होगा कि अभी किसानों के साथ में शाहबाद के अंदर जो MSP के ऊपर जो बैठे हुए थे, धरने के ऊपर बैठे थे, उनके पास में कितना लाठीचार्ज किया गया और किसानों को कैसे खाँच खाँच करके वहाँ से हटाया गया, क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? देखो, कोई भी सरकार किसान ऐसे नहीं बनाता। सरकार ने किसानों की समस्या का समाधान करना चाहा। हरियाणा में बहुत ही, जितनी भी इस घटना की निंदा की जाए, बहुत दुखद घटना हुई। किसान अपनी फसल की MSP मांग रहे थे, हमारी फसल MSP पर बिके, उसके बदले में उन्हें लट बजाया गया। खट्टर हरियाणा की सरकार, खट्टर सरकार ये ना समझे कि ये गुरनाम चढ़ुन्नी का काम था। ये सब देश के किसानों की बात है, सब देश के किसानों की मर्यादा का सवाल है। जहाँ जहाँ भी किसान आंदोलन करेंगे, सब देश का किसान वहाँ इकट्ठा होगा। इस दुखद घटना को देखते हुए शाहबादगी आने वाली 12 तारीख में एक सभी किसानों की बड़ी पंचायत पीपड़ी कुरुक्षेत्र में रखी गई। उसमें उत्तर प्रदेश से भी बाकियों के अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकेत जी सम्मिलित होंगे। आपके चैनल के माध्यम से मेरी सभी किसानों से अपील यह है, हरियाणा हो चाहे पंजाब हो, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, कि अधिक से अधिक संख्या में किसान हरियाणा पहुँचे पीपड़ी कुरुक्षेत्र आने वाली 12 तारीख में, और भाई इसका बदला जरूर लिया जाएगा। यह बहुत दुखद घटना है। सरकार किसान बनाना जाने तो उसे गिराना भी जानता है। योजनाएं थी MSP पे, खुद कहते हैं MSP पे हम फसल कह रहे हैं, उसे MSP पे अपनी बात पर भी अटक नहीं है, उसके लिए क्या कहेंगे? सरकार चाहे कोई सी भी हो, ये झूठे वादे कर रहे हैं। हम यह कहें धरातल पर आकर सच देखो ना क्या हो रहा। किसान ने बिजली नहीं मिल रही, पानी नहीं मिल रहा, कनेक्शन नहीं मिल रहा, MSP पर उसकी फसल नहीं बिक रही। लोकतंत्र में अपनी बात कहने पर भी बैन है क्या? लोकतंत्र में अपनी बात कहने का सभी ने अधिकार है। बात अपनी कह सके शांति प्रिय बैठे थे किसान, क्यों करवा दिया भाई लाठीचार्ज उन पर? किस कोई यहाँ अंग्रेजों का शासन चल रहा? यो किसानों का देश है, किसान ही इसके मालिक हैं। इसका कोई मालिक बनने की कोशिश ना करे, किसानों की बात मानने। संविधान में कहाँ लिखा भाई किसानों पर नहीं आते? किसानों पर लट बजेगा, उन पर आंसू गोड़े गिरे जाएंगे, उन पर पानी मारे जाएगा। सभी साथी उन किसानों के साथ हैं, तन मन धन तय। आगे की जो रणनीति वहाँ 12 तारीख में होगी, उसका सभी देश के किसान पालन करेंगे। जय जवान जय किसान। बात करते सर, जैसे किसानों के साथ में आपने देखा हरियाणा के अंदर अभी शाहबाद के अंदर लाठीचार्ज हुआ, एक तरह से आपकी जो किसान यूनियन भी कह रहे कि वो अंग्रेजों की तरह से उन्होंने वहाँ पर प्रवृत्ति दिखाई किसान के साथ, क्या कहना चाहेंगे सर? देखो, किसान जो है अपनी MSP पर सूरजमुखी की खेती होती है उधर उस क्षेत्र में, किसान अपनी सूरजमुखी जो है वो MSP पर देना चाह रहा, सरकारें MSP लागू नहीं कर रही। और रही बात सरकारों की नीतियां और ये जो लाठीचार्ज करने की बात है, ये अंग्रेजों की नीतियां हैं इनके पास, ये उन्हीं परिवारों से है। ये जब चुनाव आते हैं तब कहते हैं कि किसान भगवान है, अन्नदाता है, देश की रीढ़ है। आज वही रीढ़ और देश की तोड़ दी किसानों की, और अन्नदाता भी तोड़ दिया। तो ये अन्नदाता भी जाग चुका है। अब ये MSP का सवाल है और MSP पे लाठीचार्ज हुआ है पहली बार, तो देश में एक बड़ी क्रांति चलेगी अब जा, और ये क्रांति अब बैठेगी नहीं, अब अपना हक लेके रहेगी। मतलब जैसी बात की जाए, निहत्ते हैं किसान, आके किसान तो निहत्ता ही है, किसान पर कहाँ हथियार थोड़ा ही है, किसान पर अपनी दंती खुरपी तो है भाई, किसान तो निहत्ता ही है। सरकारों के पास सारी चीज है, लाठी भी है, आंसू गैस के गोले भी है। तो सर कैसे देखते हो इस चीज़ को? जब आप देखे किसान वहाँ पर बैठे हुए थे, धरना चल रहा था, सब कुछ चल रहा था, कैसे देख रहे हो उस चीज़ को? देख रहे क्या आप? देख लो, तुम भी देख रहे, तुम वही नहीं थे भाई, हम क्या देख रहे, तुम भी तो देख रहे, देख लो भाई जो कुछ हो रहा।
किसान यूनियन अब उनके लिए एक आक्रामक रूप लेने वाली है यहाँ के लिए, जो अपना आंदोलन चलेंगे। आज संयुक्त मोर्चा की कॉल आई के 12 तारीख में पंचायत होगी, उसमें सब संयुक्त मोर्चे के नेता मौजूद होंगे और सभी जगह से किसान वहाँ जाएंगे। जो भी वहाँ तय करेगा संयुक्त मोर्चा, उसी पे हम लोग सब चलेंगे और देश के सब किसान उस कॉल का इंतजार रहे। अपने ट्रैक्टर तैयार रखे, उनमें तेल पानी हवा पानी कर कर रखे, तो लड़ाई लड़नी पड़ेगी, बहुत ठेठी लड़ाई है। ट्रैक्टर बुलडोजर बनेंगे क्या? हाँ, ट्रैक्टर ट्रैंक है भाई, ट्रैक्टर टैंक बन जाएंगे। हाँ, टैंक बन जाएंगे।